जैसे भड़काऊ भाईजान के बयानों पर जगतगुरु रामभद्राचार्य भड़क गए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के भगवा पर दिए बयान का जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में अब भगवाधारी ही आएंगे। इसके अलावा रामभद्राचार्य जी ने महाकुंभ में महायज्ञ से पीओके को भारत में शामिल होने का समाधान भी बता दिया। सुनिए जी मीडिया से जगतगुरु रामभद्राचार्य का शुद्ध पॉलिटिकल इंटरव्यू। तो कि राजा ने एक बयान दिया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर कि यदि उन्होंने आह्वान कर दिया तो उनके लोग हैं सड़कों पर आ जाएंगे, रूह कांप जाएगी। बिल्कुल गलत बात। वक्त बोर्ड का वक्त संशोधन क्या हो, वक्त बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए और तौकीर राजा को इस प्रकार का चैलेंज नहीं देना चाहिए। यदि हिंदू सड़क पर आ जाएगा तो रू नहीं कांपेगी, इनका नामो निशान समाप्त हो जाएगा। कुंभ के अंदर ये मुसलमान दुकानदारों की एंट्री हो गई, इसको संत कैसे रोकेंगे? हम रोकना चाहते हैं, रुकेगी। और जो योगी जी को लेकर जो उनकी बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या भगवा जो पहनते हैं उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए? वो राजनीति मल्लिकार्जुन के बाप की नहीं है, राजनीति भगवा वालों को ही करनी चाहिए। भगवा ही भगवा झंडे से ही शिवाजी महाराज ने पूरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व तो जगाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 वर्ष होकर के हो गए हैं और छठिया गए हैं, बौखला गए हैं। जो पाकिस्तान से हत्याया हुआ जो कश्मीर है वो वापस लेंगे आपने कहा है? उसी गलत जगह कर रहा हूँ।